हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप iOS 18 का कंट्रोल सेंटर यूज कर सकते हो अपने एंड्रॉइड डिवाइस में। जी हाँ दोस्तों, प्ले स्टोर पे एक न्यू कंट्रोल सेंटर आया है, तो इसके लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाते ही आपको सर्च कर लेना है क्विक कंट्रोल सेंटर OS स्टाइल, और आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है अपने फोन में। आपको इस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ट्रस्ट मी गाइस, ये कंट्रोल सेंटर 90% सिमिलर है iOS 18 की तरह, तो इसे सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेना है और आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपको कंट्रोल सेंटर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आपको यहां से सेट डिफॉल्ट एंड सेटिंग पे जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पे इस कंट्रोल सेंटर को ऑन करना है। ऑन करते ही आपको कुछ परमिशन सेट कर लेनी है। अब दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे आपको हर एक ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे राउंड कॉर्नर का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, तो आप यहाँ से सिंपली आइकॉन्स को राउंड कॉर्नर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसे सिंपली बैक जाता हूँ, और आप चाहो तो यहाँ से बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो। अगर यहाँ से परमिशन सेट नहीं हो रही है दोस्तों, तो आपको सिंपली इसे मिनिमाइज जाना है और आपको इस ऐप इन्फो में जाना है, और ऐप इन्फो में जाते ही आपको परमिशन में जाना है और आपको सारी परमिशन सेट कर लेनी है। सारी परमिशन सेट करने के बाद दोस्तों आप देखोगे आप यहां से बैकग्राउंड भी सेट कर पाओगे। अब दोस्तों यहां से आपको गैलरी में जाना है, और गैलरी में जाकर आपको iOS 18 का वॉलपेपर सेट कर लेना है। अब आप यहां से देखोगे दोस्तों iOS 18 का वॉलपेपर हमने यहां पे सेट कर लिया है। और गाइस यहां पे आपको आप चाहो तो यहां से आप पोजीशन सेट कर सकते हो लेफ्ट और राइट साइड की। तो गाइस आपको यहां से हाइट पूरी तरह से बढ़ा देनी है, तभी आप इसे परफेक्ट यूज कर पाओगे। उसके बाद यहां से आपको अल्फा में जाना है, और अल्फा आपको सबसे लो रखना है ताकि आपको ये यहां पे नजर ना आए। अब दोस्तों बात जो है, मैं इसे सिंपली बैक जाता हूं। उसके बाद गाइस आपको यहां पे बहुत से थीम्स दिखाई देंगे। अब जैसे मैं यहां पर थीम अप्लाई करूंगा, तो आप देखोगे थीम अप्लाई हो चुका है। गाइस आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे ये कंट्रोल सेंटर पूरी तरह से iOS 18 की कंट्रोल सेंटर की तरह दिखाई दे रहा है। हमें यहां पे राउंड आइकॉन्स भी देखने को मिल जाते हैं, और यहां पे ये बहुत ही स्मूथ वर्क करता है। आप देख सकते हो ब्राइटनेस पैनल भी बहुत ही स्मूथ वर्क कर रहा है। उसके बाद दोस्तों यहां पे हमें फ्लैश भी देखने को मिल जाता है, और आप चाहो तो यहां पे कस्टम कंट्रोल भी सेट कर सकते हो और कस्टम कलर्स भी सेट कर सकते हो। कैसे, अभी आपको बताने वाला हूं। आप यहां पे सिंपली इस नंबर वन पे जो थीम है इसे अप्लाई कर देना है आपको, और उसके बाद यहां पे कस्टम कलर ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो आप चाहो तो यहां से हर एक ऑप्शन के कस्टम कलर सेट कर सकते हो लाइक iOS 18 की तरह। यहाँ पे मैं अगर जिस ब्राइटनेस पैनल का कलर चेंज करना चाहूँ, सिंपली यहाँ पे ब्राइटनेस की बार पे जाऊंगा और यहाँ पे मन चाहे कलर मैं सेट कर सकता हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पे ब्राइटनेस का कलर भी चेंज हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे वाइब्रेशन ऑन रख लेना है ताकि आपको और प्रीमियम फील आए। उसके बाद कस्टम कंट्रोल सेंटर कंट्रोल पे जाना है, और आप यहां से बहुत से कंट्रोल ऐड कर सकते हो। बट गाइस यहां पे आप मैक्स 8 फीचर्स ही ऐड कर पाओगे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में iOS 18 का कंट्रोल सेंटर यूज कर पाओगे। यहाँ पे हमें नीचे की तरह अभी फिलहाल कोई शॉर्टकट्स देखने को नहीं मिलने वाले हैं। आई होप इस ऐप में अपडेट आए और हमें यहाँ पे ऑल शॉर्टकट्स लाइक म्यूजिक और अदर ऑप्शंस देखने को मिल जाए। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में iOS 18 का कंट्रोल सेंटर यूज कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं जल्दी एक नई वीडियो में मिलता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।